क्या कहना चाहोगे? लाल नागिन जो अभी दिखाई दिया जा रहा है, नागिन व्हाइट नागिन, क्या रवि देसाई तो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, बेहतरीन एक्ट्रेस है, और वो जो काम करती है तो बस मजा आ जाता है। मैंने उसके साथ काम किया पिछले दिनों, इतना बढ़िया डबल रोल किया उसने और बहुत अच्छा किया, मतलब जान ला दिया उसने। उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि हम और ऊपर चढ़ेंगे अभी। और अभी सैटरडे संडे की टीआरपी भी थोड़ी ऊपर आ गई है, बेशक अभी हम आगे बहुत जल्दी हम नंबर वन पे आएंगे। तेजस्वी जी के बारे में कुछ बता दीजिए। तेजस्वी बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया काम करती है। आज भी देख लो उसको, हम बहुत सारे अलग अलग करेक्टर में उसको लेके आते हैं और वो उसके साथ बखूबी निभाती है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले सप्ताह में क्या देखने मिलेगा? हम तो बताएंगे नहीं, बम फोड़ रहे हैं, बहुत सारे बम फोड़ेंगे, हर एपिसोड में एक एक बम फोड़ेंगे। आने वाला एपिसोड बहुत खतरनाक है, मतलब लोग आईपीएल आ रहा है, आईपीएल से हम नहीं डरते। नागिन के ऑडियंस को आईपीएल से कोई लेना देना नहीं, नागिन के ऑडियंस को नागिन चाहिए, नागिन चाहिए। जब तक बिल नहीं बजता वो संतोषी नहीं होता उनको। आईपीएल के बीच में नागिन तोड़ दीजिए, आईपीएल में तोड़ दीजिए। करण कुंद्रा जी को देख सकता है? करण कुंद्रा का तो अभी मुझे नहीं पता है, आ जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मेरा ही बच्चा है वो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। सुरभि ज्योति कब आएगी? सुरभि ज्योति को तो हम लाना चाह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका कुछ अपना अपॉइंटमेंट सब जो दिया हुआ है पहले से, उसका कमिटमेंट है, तो शायद हम उसको लाएंगे, मुझे लगता है कि बीच में या क्लाइमेक्स पे लाएंगे। सब आएंगे, मोनी आएगी, सुरभि भी आएगी, सब आएंगे। क्या आने वाले समय में सारी नागिन एक साथ दिखने मिलेगी? तय है दिखेगी, एक साथ सबको लाना ही पड़ेगा, आधा खान को, मोनी को, सुरभि को, सुरभि चंदाना को, ज्योति को, सबको लाएंगे। जैसे हमने, आपको याद होगा पिछली बार भी हमने एक बार लाया था, सबको लेके आई थी। ऐसा ना तेजस्वी गिर जाए बाद में। नहीं, सब सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सब बहुत अलग अलग टाइप की है, सबका अपना अंदाज है, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगना चाहिए उस ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे? लाल नागिन जो अभी दिखाई दिया जा रहा है, नागिन व्हाइट नागिन, क्या रवि देसाई तो मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, बेहतरीन एक्ट्रेस है, और वो जो काम करती है तो बस मजा आ जाता है। मैंने उसके साथ काम किया पिछले दिनों, इतना बढ़िया डबल रोल किया उसने और बहुत अच्छा किया, मतलब जान ला दिया उसने। उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि हम और ऊपर चढ़ेंगे अभी। और अभी सैटरडे संडे की टीआरपी भी थोड़ी ऊपर आ गई है, बेशक अभी हम आगे बहुत जल्दी हम नंबर वन पे आएंगे। नंबर वन पे आना है, तेजस्वी जी के बारे में कुछ बता दीजिए। तेजस्वी बेहतरीन एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया काम करती है। आज भी देख लो उसको, हम बहुत सारे अलग अलग करेक्टर में उसको लेके आते हैं और वो उसके साथ बखूबी निभाती है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले सप्ताह में क्या देखने मिलेगा? हम तो बताएंगे नहीं, बम फोड़ रहे हैं, बहुत सारे बम फोड़ेंगे, हर एपिसोड में एक एक बम फोड़ेंगे। आने वाला एपिसोड बहुत खतरनाक है, मतलब लोग आईपीएल आ रहा है, आईपीएल से हम नहीं डरते। नागिन के ऑडियंस को आईपीएल से कोई लेना देना नहीं, नागिन के ऑडियंस को नागिन चाहिए, नागिन चाहिए। जब तक बिल नहीं बजता वो संतोषी नहीं होता उनको। आईपीएल के बीच में नागिन तोड़ दीजिए, आईपीएल में तोड़ दीजिए। करण कुंद्रा जी को देख सकता है? करण कुंद्रा का तो अभी मुझे नहीं पता है, आ जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मेरा ही बच्चा है वो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। सुरभि ज्योति कब आएगी? सुरभि ज्योति को तो हम लाना चाह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका कुछ अपना अपॉइंटमेंट सब जो दिया हुआ है पहले से, उसका कमिटमेंट है, तो शायद हम उसको लाएंगे, मुझे लगता है कि बीच में या क्लाइमेक्स पे लाएंगे। सब आएंगे, मोनी आएगी, सुरभि भी आएगी, सब आएंगे। क्या आने वाले समय में सारी नागिन एक साथ दिखने मिलेगी? तय है दिखेगी, एक साथ सबको लाना ही पड़ेगा, आधा खान को, मोनी को, सुरभि को, सुरभि चंदाना को, ज्योति को, सबको लाएंगे। जैसे हमने, आपको याद होगा पिछली बार भी हमने एक बार लाया था, सबको लेके आई थी। ऐसा ना तेजस्वी गिर जाए बाद में। नहीं, सब सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सब बहुत अलग अलग टाइप की है, सबका अपना अंदाज है, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगना चाहिए उस ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।